एक काहिल गधा। एक दफा का जिक्र है, एक ताजिर था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो पैसों की खातिर मुख्तलिफ अशिया की तिजारत किया करता था। उस ताजिर के पास एक गधा था। वो गधे पर अपने सामान की बोरियां लादता और उसको बाजार ले जाता फरोख्त करने के लिए। वो ताजिर अपने गधे की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि गधा उसके तिजारती कारोबार के लिए बहुत अहम है। ताजिर गधे को बहुत साफ सुथरा रखता और सेहतमंद रखता था। वो उसको खाने के लिए सेहतमंद खाना खिलाता। गधा जवान और ताकतवर था। वो कई सारी अशिया की बोरियां अपनी पीठ पर लादता और अपने मालिक के साथ हर रोज बाजार जाता था। पर वो बहुत ही काहिल था। उसको खाना खाना, सोना, यहाँ वहाँ घूमना बेहद पसंद था। फिर से बाजार जाना है। काश मेरे मालिक किसी दिन छुट्टी क्यों नहीं मनाते। मुझे छुट्टियाँ बहुत पसंद है। हो सकता है कि उनको छुट्टियों की जरूरत ना हो, पर मुझे तो छुट्टियों की जरूरत है। गधा इस बात को समझने से कासिर था कि ताजिर के लिए रोज बाजार जाकर अशिया फरोख्त करना इंतहाई जरूरी है। अगर ताजिर रोज बाजार ना गया तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, और अगर पैसे नहीं आए तो फिर गधे के लिए भी खाने की गिजा का इंतजाम करना मुश्किल होगा। बाजार की मांग के मुताबिक ताजिर को हर रोज अलग अलग अशिया की तिजारत करनी पड़ती थी। कभी दालें तो कभी अनाज, कभी सब्जियां मसाले तो कभी फल वगैरह। ताजिर को हर रोज अपने गांव से गधे के साथ बाजार जाते वक्त दरिया को पार करना पड़ता था, और वो उस वक्त अपने गधे का खास ख्याल रखता था। एक दिन ताजिर के करीबी दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की काफी मांग चली है। शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त, तुमने मुझे ये खबर दी। मैं बहुत जल्द नमक फरोख्त करूँगा। बाजार में फरोख्त करने के लिए जल्द ही ताजिर ने 12 बोरी नमक का इंतजाम कर दिया। उसने 6 बोरी नमक गधे पर लाद दिया, पर जल्दी ही उसको एहसास हो गया कि ये 6 बोरियां बहुत ही वजनी है। गधा उनका बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा। ओह बेचारा गधा, ये इतना बोझ नहीं सह पाएगा। मुझे इसका बोझ कम करना होगा, यही बेहतर है। मैं गधे को इस कदर चोट नहीं पहुँचाना चाहता, ये कहकर उसने एक बोरी खुद की पीठ पर लाद ली। उसके बावजूद गधा चलने से कासिर था। ताजिर अपने गधे की परवाह तो करता था, पर इस बात से वाकिफ था कि उसका गधा काहिल भी है। लिहाजा उसने एक लकड़ी गधे की पीठ पर मारी और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। ओहो अब चलो भी, तुम बहुत आराम कर चुके, अब इतने भी काहिल ना बनो। हमें बाजार जाना बेहद जरूरी है। उस दिन ताजिर ने अपनी सारी नमक की बोरियां बाजार में फरोख्त कर दी। ओह, मेरे दोस्त ने दुरुस्त इत्तला दी थी। सच में बाजार में नमक की बेहद मांग बढ़ चुकी है। ताजिर ने हर रोज की तरह फिर नमक बाजार में फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो अब नमक की बोरियां गधे पर लादा करता था। गधे को नमक की कभी 5 तो कभी 6 बोरियां लादकर हर रोज बाजार जाना पड़ता था, जिससे गधा काफी नाखुश था। पर लौटते वक्त गधा बिल्कुल खाली आता। ताजिर अपना सारा नमक बाजार में फरोख कर ही देता ताकि गधे को लौटते वक्त कोई भी बोझ ना उठाना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन तक सिलसिला आगे बढ़ा। हर रोज की तरह एक दिन ताजिर ने फिर से 6 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और बाजार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों दरिया पर पहुँचे, उन्हें मद्दोजजर ज्यादा नजर आया। हमें बहुत ही धीरे चलना होगा ताकि हम इस उछलते हुए पानी में फिसल ना जाएं। पर जैसे ही उन दोनों ने आधा दरिया पार किया कि तभी अचानक गधे को बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और वो पानी में फिसल कर उसी पत्थर पर बैठ गया। ओ, नहीं, ओ। ताजिर ने जैसे तैसे गधे को उठाया और दरिया पार करवाया। गधा बहुत ही खौफजदा था, पर अचानक उसने महसूस किया। बोरियां तो अब भी मेरी पीठ पर लदी हैं, पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ। वो एक जादुई दरिया है।
गधा इस बात से कासिर था कि दरिया में फिसलने की वजह से उन बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया और अब उन बोरियों में बिल्कुल भी नमक नहीं बचा, जिसकी वजह से गधे की पीठ पर गधे को कोई भी वजन महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि अब बोरियों में नमक बचा ही नहीं था। ओह, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। अब मैं क्या फरोख करूँगा? शुक्र है खुदा का कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने की कोई तुख नहीं बनती। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क्या? कोई बोझ भी नहीं और कोई काम भी नहीं, ये तो कमाल का जादू है। इस हादसे के बाद गधे के पास पूरा दिन था। उसने उस दिन सिर्फ खूब ठूस के खाया और खूब सोया। वो उस दिन बहुत खुश था। फिर अगले दिन ताजिर ने 6 बोरियां नमक की अपने गधे पर लादी और बाजार के लिए निकल पड़ा। ओह, कल का दिन कितना अच्छा था। आज फिर मुझे काम करना पड़ रहा है। रुको, आज भी मैं काहली कर सकता हूँ। आज भी मैं अपनी पीठ पर लदे बोझ को कम कर सकता हूँ और घर वापस जा सकता हूँ कल की तरह। वो एक जादुई दरिया है जो मेरा बोझ कम कर देती है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। ताजिर उस दिन गधे की साजिश से बिल्कुल नावाकिफ था। हर रोज की तरह ताजिर अपने गधे को लिए उस दरिया पर पहुंच गया। गधा ताजिर से पहले ही दरिया की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि ताजिर उसको रोके, गधा उसी जगह पर फिसल गया जहाँ पिछली बार फिसला था। ओह, ये तुमने क्या किया बेवकूफ काहिल, जल्दी उठो। पर बहुत देर हो चुकी थी। बोरियों का सारा नमक पिछली बार की तरह दरिया में घुल चुका था। गधे को अब कोई भी बोझ महसूस नहीं हो रहा था। गधा बहुत खुश था। ये हुई ना बात, कोई बोझ नहीं और अब कोई काम नहीं। ये फिर कैसे हो गया? रुको, जरा सोचता हूँ। क्या इस गधे ने ये जानबूझकर किया? ओ, काहिल जानवर, मैंने इसकी इतनी देखभाल की और इसने बदले में मुझको ये सिला दिया। इसे घर वापस ले जाता हूँ। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। गधे ने सोचा कि ये मैंने सही तरीका निकाला काम को ना करने का, पर ताजिर का तो कोई और ही मंसूबा था। अगले दिन ताजिर ने गधे की पीठ पर 8 बोरियां ला दी, पर गधे ने उफ तक नहीं किया। 8 बोरियां, पर मैं बोझ क्यों महसूस करूं? अब मेरे लिए बोझ मसला नहीं रहा। रखने दो मालिक को जितनी भी बोरियां रखना चाहते हैं। बाजार अब जाता कौन है? जब वो दोनों दरिया पर पहुंचे, तो ताजिर ने खामोशी से गधे पर नजर डाली। ये आई मेरी जादुई दरिया। और दरिया पार करते वक्त गधा फिर वही जगह पर जाकर फिसला जहाँ वो हमेशा गिरता था। पर इस बार ताजिर ने गधे को नहीं उठाया और गधे का बोझ कम नहीं हुआ। और अचानक, नहीं, मेरी पीठ, ये क्या हुआ? मेरी पीठ अब भी वजनी ही है। ताजिर बहुत ही ज़हीन था। उसे पता था कि गधा उसके साथ फिर वही चाल चलने वाला है, इसीलिए उसने इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास भर दिया था। जैसे ही गधा दरिया में बैठा, वैसे ही कपास ने दरिया का पानी चूस लिया और गधे का वजन बढ़ गया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यूं ही बेवकूफ बना लोगे? अब तुम 8 बोरियों का बोझ उठाए बाजार भी चलोगे और घर की जानी भी लौटोगे। नहीं, ये तो बहुत ही वजनी है मेरी पीठ। गधे को तब एहसास हो गया था कि वो जादुई दरिया नहीं है। गधा उन 8 बोरियों को अपनी पीठ पर लादे हुए बाजार गया भी और फिर उसी बोझ के साथ घर भी वापस आया। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी दरिया में गिरने की हिमाकत नहीं की।